क्या हाल है दोस्तों, Vivo U20 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके ज़रूर काम लग सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टिप से। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। तो जो मैं पहला टिप बताने जा रहा हूँ उसके अंदर चार्जिंग एनिमेशन को कैसे चेंज करते हैं। तो जो सबसे पहला टिप है उसके अंदर चार्जिंग एनिमेशन को कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन है, बस उसके अंदर जाके चार्जिंग एनिमेशन के अंदर जाइए। फिर यहाँ पर सारे एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, बस उसको जाके आप चेंज कर दीजिए। जैसे कि आपको अगर ये वाला एनिमेशन पसंद है, इस टाइप का पसंद है या फिर इस टाइप का, तो ये सारा एनिमेशन आपको मिल जाता है फ़ोन के अंदर। आपको जैसा भी एनिमेशन पसंद है वो यहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पर जाके इसको अप्लाई करना रहेगा और ये चार्जिंग एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। अब अगली बार आप फ़ोन को चार्ज करने जाएंगे आपको ये एनिमेशन ज़रूर दिखेगा। अगर आप फ़ोन को रात को यूज़ करते हैं तो ये फ़ीचर आपके ज़रूर काम लगेगा। ये फ़ीचर है डार्क मोड। ये फ़ीचर के अंदर क्या होता है, जो इंटरफेस होता है फ़ोन का वो पूरा डार्क हो जाता है। डार्क मोड एनेबल करने से क्या होता है, सबसे पहले तो ये फ़ोन का जो इंटरफेस होता है वो पूरा डार्क हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये फ़ोन का जो इंटरफेस है वो पूरा लाइट थीम है। ये लाइट थीम की वजह से आपकी आंखों के अंदर ब्राइट लाइट्स आती है, लेकिन डार्क मोड एनेबल करने से ये जो लाइट है वो डार्क हो जाती है, जिससे आप आसानी से रात को बैठ के सर्फ कर सकते हैं, ऐप यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी आप फ़ोन पे करते हैं। उसके लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, उसके अंदर जाके डार्क मोड का ऑप्शन है, ये ऑफ है अभी, इसको जस्ट मैं ऑन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं डार्क हो चुका है। तो ये सारा इंटरफेस जो है, जैसे कि सेटिंग्स वाला इंटरफेस है, फिर ये कंट्रोल सेंटर है, ये सब पूरा डार्क हो चुका है। गूगल का ये सर्च बार भी डार्क हो चुका है और बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं फ्लैशलाइट को सबसे तेज़ी से ऑन कैसे किया जाए? Vivo U20 को आप दो बार शेक करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपको ये फ़ीचर नहीं पता है तो ये फ़ीचर से आप जो फ्लैशलाइट है उसको आसानी से ऑन कर सकते हैं, वो भी बिना फ़ोन को अनलॉक किए। उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्मार्ट मोशन का जो है ऑप्शन, उसके अंदर जाके ये ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्लैशलाइट को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ये लॉक स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, उसके बाद दो बार ऐसे शेक करना है बिना कोई बटन दबाए और ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद इसको ऑफ करने के लिए पावर बटन को एक बार जस्ट दबा दीजिए और बंद हो गया। तो लॉक स्क्रीन पर जाइए, दो बार शेक कीजिए, फ्लैशलाइट ऑन होगा, और बंद करने के लिए पावर बटन एक बार दबा दीजिए। बहुत ही आसान है। अगर आप अभी भी पावर बटन और वॉल्यूम बटन से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये टिप आपके ज़रूर काम लगेगी। क्या आप जानते हैं फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी आसान हो चुका है? वैसे तो हम नॉर्मली पावर बटन और वॉल्यूम बटन से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं किस तरह से, लेकिन एक और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का जो बहुत सारे लोग उसको यूज़ नहीं करते होंगे। मैं तो अपने रोज़ लाइफ में ये यूज़ करता ही हूँ, लेकिन अगर आपके लिए ये फ़ीचर बहुत ही काम का है तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन को नीचे से 3 फिंगर स्वाइप करना होगा, बस इतना ही करना है और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। 3 फिंगर स्वाइप कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। कोई भी आप स्क्रीन पर हो और इस तरह से नीचे से ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Vivo U20 के अंदर बैटरी परसेंटेज जो है वो स्टेटस बार पे विजिबल नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी परसेंटेज विजिबल नहीं है स्टेटस बार के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन दिया है। उसके लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज यहाँ पर नन है, इसको जस्ट जाके आउटसाइड द बैटरी या इनसाइड द बैटरी, जो ऑप्शन आपको सही लगे, मैं रखने वाला हूँ इनसाइड द बैटरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के अंदर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर है परसेंटेज, कितनी बैटरी इस फ़ोन के अंदर बची है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसी तरह से आप नेटवर्क स्पीड को भी देख सकते हैं स्टेटस बार के अंदर।
सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में और उसी ऑप्शन के अंदर जाइए जहाँ पर स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन है और नेटवर्क स्पीड का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस उसको एनेबल कर दीजिए। और यहाँ पर अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो इंटरनेट की स्पीड दिखाई देगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ, कोई एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर। वीडियो प्ले करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड दिखाई दे रही है, ये जो वीडियो है वो प्ले हो रहा है। जो अगला टिप है उसके अंदर जेस्चर नेविगेशन को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। वीवो U20 के अंदर ये जो फीचर दिया है उसका आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फ़ोन के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम दिया है वो वैसे ही ट्रेडिशनल है, बैक बटन, होम बटन और रीसेंट बटन पहले से दिए हुए हैं। लेकिन वीवो का जो UI है जिसको बोलते हैं फन टच OS, इसके अंदर एक जेस्चर नेविगेशन का फीचर दिया है। ये फीचर्स है, ये जो बटन्स है वो हट जाएंगे और आपको जस्ट इस तरह से कुछ स्वाइप करने होते हैं, इससे आप फ़ोन को पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। उसके लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले सेटिंग्स में और उसको एनेबल करना पड़ेगा। तो जाइए सेटिंग्स में और उसके बाद नीचे जाइए, सिस्टम नेविगेशन का एक पूरा सा सेटिंग मिल जाता है। उसके अंदर जाके यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं, ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको सीखना है ये कैसे काम करता है तो यहाँ पर लर्न अबाउट नेविगेशन जेस्चर का एक ऑप्शन दिया है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड एज से आप स्वाइप करें तो बैक जा सकते हैं, वैसे ही राइट स्वाइप करेंगे तो भी आप बैक जा सकते हैं, या नीचे से स्वाइप करेंगे तो भी आप बैक जा सकते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट सेंटर ओपन करना है तो यहाँ से शॉर्टकट सेंटर ओपन हो सकता है। होम स्क्रीन पर जाना है तो यहाँ पे स्वाइप करना पड़ेगा और उसके बाद रीसेंट ऐप्स के अंदर जाना है तो स्वाइप करने के बाद होल्ड करना पड़ेगा तो रीसेंट ऐप खुल जाएगी। ये ट्यूटोरियल था जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये स्वाइप जेस्चर्स कैसे काम करते हैं। जो अगला टिप है या फिर इसको ट्रिक बोल सकते हैं जो मेरा फेवरेट है, इस टिप के अंदर आप अपना फ़ोन जो है उसके ऊपर कोई भी टाइप की स्क्रीन एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। Vivo U20 के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। ये फीचर से आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करोगे उसका एक वीडियो बना सकते हैं, या फिर वो रिकॉर्डिंग को आप एक वीडियो फाइल में सेव करके किसी को भी भेज सकते हैं या अपने रेफरेंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियो है प्ले हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, या फिर गेम को रिकॉर्ड करना है, कुछ भी आपको रिकॉर्ड करना है उसके लिए ये फीचर काम लगता है। तो सबसे पहले आप नीचे से स्वाइप कीजिए और यहाँ पर एस कैप्चर का एक ऑप्शन है, ये एस कैप्चर को ऑन करने से यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। बस इसको जाके एक बार ऑन कर दीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। तो ये सेव हो चुका है स्क्रीनशॉट्स के अंदर। अब इसको जाके मुझे सिर्फ प्ले करना है, आप देख सकते हैं ये प्ले हो रहा है। उसी तरह से ये जो एस कैप्चर है इसके अंदर और भी कई फीचर्स अवेलेबल है अगर आपको यूज़ करने हैं तो, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, रेक्टेंगुलर कुछ क्रॉप करके लेना है, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस टिप की मदद से Vivo U20 के अंदर आप चला सकते हैं USB ड्राइव्स या फिर कोई भी टाइप के USB सपोर्टेड डिवाइसेस। Vivo U20 के अंदर OTG सपोर्ट दिया है, यानी कि इसके अंदर आप पेन ड्राइव चला सकते हैं या फिर जो भी USB डिवाइसेस ये फ़ोन सपोर्ट करता है वो इसके अंदर आप चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको OTG का फीचर एनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद अदर नेटवर्क्स एंड कनेक्शन का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर OTG का एक ऑप्शन दिया है उसको जाके बस ऑन कर दीजिए। बस ये ऑन करने के बाद आप इसमें जो भी सब, जैसे कि आपको माउस लगाना है, पेन ड्राइव लगाना है, या जो भी USB डिवाइस फ़ोन के अंदर लगानी है OTG के थ्रू वो लगा सकते हैं। ध्यान रहे ये ऑप्शन ऑन करने के बाद ये 5 मिनट के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा अगर इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो। जो आखिरी टिप मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है स्प्लिट स्क्रीन। इस फीचर की मदद से आप ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन मोड के अंदर चला सकते हैं।
स्प्लिट स्क्रीन को एनेबल करने के लिए थ्री फिंगर को ऐसे स्वाइप करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक ऐप के अंदर जाना पड़ेगा या फिर कोई भी ऐप ओपन करनी पड़ेगी। मैं ओपन कर रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर, जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि एक साथ दो ऐप्स कैसे चला सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर मैंने खोल दिया है, उसके बाद थ्री फिंगर को मैंने इसे स्वाइप कर दिया है। यहाँ पर कुछ ऐप्स दिखाई देंगे, उसमें से कोई भी ऐप आप चूज़ कीजिए और एक साथ दोनों ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन मोड के अंदर चला सकते हैं। किस ऐप को कितना स्पेस देना वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फीचर काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये फीचर आपके कहीं ना कहीं तो काम लगेगा ही। तो ये थे Vivo U20 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ज़रूर काम आ सकते हैं। अगर इनमें से कोई टिप आपके काम लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। मैं हूँ दिव्यांग मोबी ज्ञान से, मिलते हैं अगले वीडियो में।